लगातार संघर्ष कर रही आंगनबाड़ी वर्करों ने आज संगरूर में राष्ट्रीय राजमार्ग के करीब 1.5 घंटा जाम लगाकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। 11 नवंबर को दिल्ली में लोकसभा का घेराव करने की चेतावनी भी दी। इससे पहले प्रदर्शनकारी आंगनबाड़ी वर्करों ने डिप्टी कमिश्नर दफ्तर का घेराव भी किया। प्रदेश में आंगनबाड़ी सेंटरों से प्री प्राइमरी कक्षाओं को शुरू करने के पंजाब सरकार के फैसले से प्रदेश के आंगनबाड़ी सेंटरों में काम कर रहे 54,000 हेल्परों और वर्करों पर बेरोजगारी होने का खतरा मंडरा रहा है, जिसके चलते आज संगरूर में सैकड़ों आंगनबाड़ी वर्करों ने दिल्ली लुधियाना राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर सरकार के खिलाफ जमकर रोष प्रदर्शन किया। साडा जिहड़ा प्रोटेस्ट है जी, ये 22 सितंबर तो शुरू है। 20 सितंबर नूं पंजाब दी कैबिनेट मीटिंग दे विच डिसीजन होया कि जिहड़े 3 से 6 साल दे बच्चे ने वो स्कूलों दे विच भेजे जाणगे, जदकि 42 साल तो आंगनबाड़ी वर्कर हैल्पर ही 3 से 6 साल के बच्चों नूं संभाल रहे सीगे। ये तुगलकी फरमान है जिहड़ा पंजाब दी गवर्नमेंट ने दिता है, और इस दे नाल पंजाब दी समूह 54,000 आंगनबाड़ी वर्कर हैल्परां दे विच बेचैनी ते रोस है, क्योंकि सबनों क्लीयर है कि जब साढ़े काम की कोई वंड नहीं की गई असी की काम करांगे क्लीयर नहीं किया गया। 6 सेवां विचों 4 सेवां पहले ही हेल्थ को चली गई, और 2 बची सी प्री स्कूल एजुकेशन दे सप्लीमेंट्री न्यूट्रेशन है जिहड़ा वह DBT राही करन दा भारत सरकार ने फैसला कर लिया, और प्री स्कूल एजुकेशन है जो वो सरकारी स्कूलों नूं देण दा जो डिसीजन किया है उसके अगेंस्ट साडा ये अंदोलन है। तो असीं मंग करते हैं कि जल्द तो जल्द साढ़े जिहड़े बच्चे ने 3 से 6 साल के वो मुड़ आंगनबाड़ी केंद्रों में भेजे जाण, और इसका फैसला तुरंत साडे डिपार्टमेंट के मिनिस्टर WCD के जो मिनिस्टर ने रजिया सुल्ताना जी, जो सैकटरी ने करणवीर जी, जो मैडम ने डायरैक्टर कविता मोहन जी, वो तुरंत बैठक करके साडे नाल इस मसले का हल करन। नहीं तो आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर की जिहड़ी हालत है वो बहुत ही गुस्से वाली है, तो बेचैनी उन्होंने दिन पर दिन वधदी जा रही है, क्योंकि 42 साल की नौकरी एक झटके च जाना बहुत बड़ी दुखदाई गल है। कितने पंजाब की सरकार सत्ता विच आने तो पहले ही वादे करके आई सी कि असी घर घर नौकरी देंगे, ये अंदाजा नहीं सी कि कल कल की नौकरी खोवांगे। तो इस करके ये प्रोटेस्ट 42 दिन तो चल रहा है, और दूजा साडा जिहड़ा स्टेट का प्रोटेस्ट 23 अक्टूबर नूं सीगा, उस दे विच जिहड़ा जनरल डायर वाला फरमान उत्थे दे SP CD केसर सिंह और उत्थे दे SDM अनमोल धारीवाल जी ने रात नूं 11:30 बजे जो दिता बहुत ही निंदण योग है, क्योंकि उस टाइम पंडाल दे विच 70 साल तो वध उम्र दीआं औरतां सुतियां सी, हैंडीकैप्ट भैणां भी सी, ते निक्के निक्के बच्चे गोदी च लैके सुतियां सी, और उन्हां कोले घरे जाण नूं कोई साधन नहीं सी। जेकर पंजाब सरकार की अपनी कमी है कि दिने उहदे कोले सैफिसेंट फोर्स नहीं सी, उहदी इंटैलीजेंसी उहनूं प्रोपर रिपोर्ट नहीं कर सकी, तो जिन्हां अधिकारियों की गलती आगाज़ उन्हां दे उपर गिरे, जिन्हां ने ये गलत फैसले दिते उन्हां दे उपर गिरे, आंगनबाड़ी वर्कर हैल्पर दे उपर तसद्दद ना किया जाए, तो उन्हां दे तसद्दद तो जे सोचदे आ पंजाब का प्रशासन जां पंजाब की पुलिस कि असी तसद्दद करके जां डरा के आंगनबाड़ी वर्कर हैल्परां नूं धरने तो भटका देंगे, तो यह पंजाब के प्रशासन की पंजाब की पुलिस की गलत फहमी है। ये क्रांतिकारी भैणां ने ते इन्हां ने सिर ते कफन बन्निया, अपनी मंगां दी राखी लई हर कुरबानी देण लई मेरा पंजाब का हर वर्कर हर हैल्पर तैयार। संगरूर से टोनी शर्मा की रिपोर्ट।